खबर है रीवा से, जहां रीवा प्रयागराज हाईवे पर स्थित सुहागी घाटी में लगातार हादसों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद भी इन हादसों को रोकने के लिए जिम्मेदार किसी भी प्रकार के कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। मंगलवार की शाम गिट्टी लोड एक बलकर वाहन अनियंत्रित होकर पहाड़ में बने डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर चला गया और घाटी के किनारे जाकर लटक गया। गनीमत रही कि बलकर घाटी से नीचे नहीं गिरा, वरना घाटी के नीचे बने मकान के लोग भी हादसे का शिकार होते और कई लोगों की जाने भी जा सकती थी। फिलहाल इस दुर्घटना में चालक और खलासी घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि रीवा से प्रयागराज की ओर जा रहे बलकर वाहन का ब्रेक फेल हो गया, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया और जैसे ही बलकर सुहागी पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो चालक ने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नियंत्रण से बाहर हो गया। वाहन डिवाइडर से टकराते हुए सड़क की दूसरी ओर जा पहुंचा और घाटी में जाकर हवा में लटक गया। घटना की सूचना मिलते ही सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला स्टाफ के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा है, जहां उनका फिलहाल उपचार जारी है। वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए एएसपी विवेक लाल मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घाटी के नीचे मकान बनाकर रहने वाले लोगों को रात में मकान के अंदर न रहने की हिदायत दिलाई। एएसपी ने बताया कि अगर बलकर 2 से 3 फुट और आगे चलकर जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ग्रामीण घाटी के नीचे मकान बनाकर रहते हैं और घाटी से बलकर सीधे इन्हीं मकानों के ऊपर जाकर गिरता, जिससे कई लोगों की जाने भी जा सकती थी। एएसपी विवेक लाल ने थाना प्रभारी पवन शुक्ला को मौके पर सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। वहीं थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने कड़ी मशक्कत करते हुए स्टाफ के साथ मिलकर जेसीबी की मदद से बंद पड़े रीवा चाक घाट मार्ग को सुचारू रूप से चालू कराया है। बता दें कि सुहागी घाटी में अब तक सैकड़ों की संख्या में सड़क हादसों के चलते जाने जा चुकी हैं और लगभग रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद भी जिम्मेदार व्यवस्था को सुधारने के लिए जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि पूरी घाटी में सड़क में नाली जैसे वाहनों के पहियों के निशान बन चुके हैं, जो हादसे की अब मुख्य वजह बन रहे हैं। अरे वो तो बहुत यहाँ कर सकिए वहाँ।